हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिटकॉइन कैश क्लेम कर सकते हो आपकी प्राइवेट कीज से। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेपर वॉलेट क्रिएट करो ड्यूरिंग द फोर्क आई एम टॉकिंग। आप अपना पेपर वॉलेट क्रिएट करो, अपने बिटकॉइंस पेपर वॉलेट पे रखो। जो जिन लोगों ने वो किया होगा, आज वो अपने प्राइवेट कीज से बिटकॉइन कैश क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द फोर्क आपने क्लेम नहीं किया तो आपको वो बिटकॉइन कैश नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज भी आप क्लेम कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, बस 5 मिनट्स का प्रोसेस है। सो ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट मतलब जिनके पास प्राइवेट कीज है वो कैसे इंपोर्ट करेंगे, और ज़ेबपे की जो एक क्वेरी है कि जिन लोगों ने ज़ेबपे पे रखा था और ज़ेबपे लास्ट वीक डिक्लेयर किया कि जिन लोगों को क्लेम करना है उनके बिटकॉइन कैश, उनको वॉलेट एड्रेस मेल करना है। सो वो भी इस प्रोसेस से लोग कर पाएंगे। सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोसेस। सो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉइनोमी। ये इजीली अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे है, आईफोन पे मैंने चेक नहीं किया, उनके स्टोर पे होगा पता नहीं। सो एंड्रॉयड पे है। अब हम बोलेंगे क्रिएट वॉलेट। सो ये एक पास फ्रेज है ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो, 12 वर्ड्स का फ्रेज है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं ये नोट डाउन करता हूँ। सो ये नोट डाउन किया है एक पेपर पे। तो अब मैं नेक्स्ट बोलूँगा, यहाँ पे मुझे वो फ्रेज एंटर करना है वन बाय वन। मेरा फ्रेज कुछ ऐसा है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपको ये वॉलेट आप यूज़ करने वाले हो आगे तो इसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे नोट डाउन कीजिए कहीं पर। ओके, सो ये हो गया मेरा फ्रेज। अब मैं नेक्स्ट बोलूँगा। यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, ये मैं बाद में भी सेट कर सकता हूँ। सो फिलहाल मैं स्किप बोलूँगा, लेकिन आप पासवर्ड एंटर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन कैश चाहिए और बिटकॉइन वॉलेट चाहिए, ये सिलेक्ट किए मैंने और फिनिश। ओके, सो ये वॉलेट आ गए। नीचे जो आप देख रहे हो ये मेरा बिटकॉइन कैश वॉलेट है। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास प्राइवेट की है पेपर वॉलेट, सो आपको ये प्राइवेट की स्कैन करना है और वो बिटकॉइन कैश आप इस वॉलेट में यूज़ कर सकते हो। सो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन है स्वीप वॉलेट। सो स्वीप वॉलेट में जाने के बाद बस आपको प्राइवेट की स्कैन करनी है अपनी पेपर वॉलेट से। अभी फिलहाल ये जस्ट ट्रायल के लिए मैंने एक पेपर वॉलेट बनाया है, आपको अपना इंपोर्ट करना है। तो अब मैं नेक्स्ट बोलूँगा। तो इस वॉलेट में मेरा कुछ भी बैलेंस नहीं या फिर बिटकॉइन कैश नहीं थे, तो इसलिए ये बोल रहा है कि प्राइवेट कीज डज नॉट कंटेन एनी फंड्स, बट दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस। सो ये करने के बाद आप नेक्स्ट बोलोगे, सो आपको अपने बिटकॉइन कैश रिफ्लेक्ट करेंगे इस वॉलेट में, यहाँ ये बिटकॉइन कैश में। ओके, सो बस इतना ही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद ज़ेबपे ने जो मेल भेजा है कि क्लेम करना है जिनको बिटकॉइन कैश, उन लोगों को यहाँ रिसीव में जाने के बाद ये बिटकॉइन एड्रेस दिखेगा, ये उनका बिटकॉइन कैश एड्रेस होगा। तो इस बिटकॉइन कैश एड्रेस को वो ज़ेबपे को मेल कर सकते हैं और ज़ेबपे इस एड्रेस पे उनको बिटकॉइन कैश सेंड करेगा। बिटकॉइन कैश यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और दैट्स इट।